हेलो बच्चों, मैं हूँ सुमित सर। आपका सुमित सर की क्लास में स्वागत है। आज बच्चों मैं आप लोगों को संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम, जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी से भी रिलेटेड है, उसके सवाल को जो कि 1 से 1000 तक सभी संख्याओं का आपको योग लिखना है, या 1 से 1 लाख या उससे भी कोई बड़ा मैथ हो जिसको कि आप 1 सेकेंड से भी कम समय बना सकते हैं। तो आप ट्रिकी मैथ को हम जो ट्रिक से आपको बताने जा रहे हैं बच्चों, उसको ध्यान से देखें और आपसे तुरंत बहुत ही आसान तरीके से आप 1 सेकेंड में चुटकियों में आप उत्तर दे सकते हैं। तो फिर मैं बिना कोई देरी किए वीडियो स्टार्ट करता हूं। आप ध्यान से देखना, आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होने वाली है, जिसको कि आप अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स से लेकर आप 9th 10th में जो आपके बुक्स में दिया हुआ है वो भी आप आसानी से समझ पाएंगे। तो फिर मैं बिना कोई देरी किए वीडियो स्टार्ट करता हूं, आप ध्यान से देखना। क्वेश्चन है 1 से 1000 तक सभी संख्याओं का आपको योग लिखना है। 1 से 1000, तो स्टार्ट कीजिए 1 2 3 4 1 2 3 4। यहां मैं कंसेप्ट करता हूं बच्चों पूरा, 1 2 3 4 डॉट 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 आपको 1000, ये सभी संख्या का योग करना है। कैसे योग करना है, सबसे पहले देखने कि इन दोनों के बीच अंतर कितने का है। 1 से 2 आने में 1 बढ़ा दे, 2 से 3 आने में 1, या अगर आपको ये वॉच नहीं करना है तो ये देखना है कि सबसे फर्स्ट अंक कौन सा है, पहला अंक 1 है, सबसे लास्ट अंक कौन सा है तो 1000 है। इस दोनों को आप ऐड कर दें। क्या मैंने बोला, ध्यान देंगे, सबसे पहला अंक 1 है, अंतिम का अंक 1000 है, इस दोनों को आप जोड़ देंगे और नीचे 2 से भाग कर देंगे और फिर गुणा देकर जितना अंक लास्ट में है उसी से फिर आप इसको मल्टीप्लाइड यानी गुणा कर देंगे। बहुत आसान है, पहला अंक लेना है, अंतिम अंक लेना है, दोनों को जोड़ देना है, फिर 2 से भाग करना है और जितना लास्ट में अंक है उसी से आपको गुणा यानी टोटल संख्या जितना है उससे आपको गुणा कर देना है। बहुत आसान है, 1 जोड़ 1000 आपका 1001 हो जाएगा, नीचे 2 गुना 1000, 2 से आपका 500 बार में एक कट जाता है, इस 500 को आप 1001 से गुना कर दें तो आपका हो जाएगा 5,05,000, ये आपका आंसर फेस हो गया। बहुत आसान है, अगर आप नहीं समझे हैं तो मैं आपको और दूसरा मैथ समझा देता हूं। जैसे कि आपको 1 से 100 तक निकालना है, सपोज 1 से 100 तक निकालना है, बहुत ही आसान है, 1 2 3 4 या 100 तक ले लें आप, पहला अंक आपका 1 है और अंतिम का अंक 100 है, 1 जोड़ 100 कर दीजिएगा, 2 से आपको भाग करना ही है, उस यहां नीचे हमेशा आपको 2 लगाना ही लगाना है और फिर गुना देकर अंतिम जो 100 है वो आप यहां लिख दें और उसके बाद नीचे 100 + 1 आपका 101 हो गया और उसके बाद 2 से कट करें, 50 बार में एक कट होता है, 50 × 101 कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार से आपका आंसर आएगा 05,050। उम्मीद करते हैं आप इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब आपके पास यहां कोई भी अंक हो आप आराम से इस प्रकार के मैथ्स को तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। 1 से 1 करोड़ रहेगा, 1 जोड़ 1 करोड़ / 2 गुना 1 करोड़ कट करके आप आंसर ला सकते हैं। आप इसको पॉज करके देख लें, मैं अब आपको सम संख्या से रिलेटेड और भी मैथ्स बताता हूं। हाँ, तो अब आपके पास क्वेश्चन है 50 तक सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। यहां सम संख्या है, ध्यान देना है आपको कि सम संख्या स्टार्ट कहां से होता है, सम संख्या कहां से शुरू होता है। तो आपको मालूम है कि 1 तो सम संख्या है नहीं, विषम संख्या है, 2 से स्टार्ट है तो 2 4 6 8 डॉट डॉट और लास्ट आपका हो गया 50। 50 तक सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है, इस बात को आप याद रखिए। हमने बताया था सबसे पहला लेना है फर्स्ट, फिर उसके बाद अंतिम लेना है, इसको दोनों को जोड़ देना है और नीचे आपको बोले थे हमेशा आपको 2 देना है, फिर गुना देकर अब जो अंतिम है यहां आपको 50 नहीं लिखना है, क्योंकि मैंने कहा था कि जितनी संख्या है यहां से यहां तक वही लिखना है, 2 4 6 8 10 12 14 16, इसके बीच मैंने विषम संख्या को छोड़ दिया है, हर एक के 2 के बाद 4, 3 छूटा हुआ है, 4 के बाद 5,
सॉरी 4 के बाद 6 5 छूटा हुआ है, 6 के बाद 8 7 छूटा हुआ है, एक एक छूटते आता है, यानी 50 संख्या है टोटल, 50 से ज्ञात करना है, तो 50 में से आधा जो है आपका हो जाएगा 25 सम और 25 विषम। सम और विषम जो है हमेशा आधा आधा होगा, तो यहां पर आप टोटल संख्या कितनी होगी 25 होगी, तो आप 50 का लिख के यहां पर 25 लिखेंगे। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे इसको, 50 दो 52 जोड़ देना है, प्रोसेस बहुत आसान है, बटे 2 गुने 25, 2 से इसको आप भाग करेंगे 26 बार में, 26 गुना 25 करते आपका आंसर फेस हो जाएगा। 26 गुना 25 कितना होता है, 640। इस तरह से आपका आंसर फेस हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि आप इसे समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो एक क्वेश्चन और देख लीजिए, जैसे कि मान लीजिए 80 तक दिया, अब 80 तक दिया है, कह रहा है कि आपको निकालना है 80 तक सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। इसको आप समझ लें, अगर दिक्कत होगी तो वो सर आपका क्लियर हो जाएगा। सभी सम संख्या का, सभी सम संख्या का योग ज्ञात करना है आपको, तो सम का स्टार्टिंग 2 से है, 2 4 6 8, और आप लास्ट में क्या ले लेंगे, ये 80 ले लेंगे। और हमने क्या बताया था प्रोसेस आपको, कि पहला संख्या लेना है 2, फिर जोड़ना है अंतिम की संख्या के साथ 80, नीचे आपको हमेशा 2 लिखना है, और गुना देकर अब 80 संख्या तो यहाँ टोटल नहीं है ना, ये तो सम संख्या हमने लिखी है, विषम संख्या तो छोड़ना है, तो 80 का आधा आपका हो जाएगा सम, आधा विषम, यानी 80 का आधा हो गया 40 और फिर 40, इस तरह से 40 40 आता है। तो आप यहाँ पर 40 से गुना करोगे, 2 से 20 दूनी 40, इस दोनों को जोड़िए, 80 दो 82 गुने 20, आपका आंसर हो जाता है 1640। है ना बहुत आसान, जिसको कि आप एक सेकेंड से भी कम में, ये तो मैंने लिखा है, आप मन ही मन कर सकते हैं, 2 + 80 = 82, 2 से भाग कीजिए 41, 41 × 40 कर दीजिएगा, आपका आंसर फेस हो जाएगा। बहुत ही आसान ट्रिक है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब आपके सामने हम दूसरा क्वेश्चन कुछ अलग तरीके का प्रस्तुत कर रहे हैं, ध्यान देना। अब जो आपके पास क्वेश्चन है, 1 3 5 7 .119 तक का योग कितना होगा, ध्यान देना बच्चों, बहुत ही आसान है। फर्स्ट क्या आपका है 1 है, लास्ट आपका 119 है, 119 यहां लिख दें, और हमेशा मैंने बताया आपको 2 से भाग करना है, और गुना, अब ये ध्यान देने वाली बात है कि ये 1 3 यहां गैप देखना है, 1 2 3 2 का गैप है, यानी सारा ये विषम संख्या है, विषम संख्या है 1 से 119, यानी 120 तक ले ले और इसका हाफ कर दे, जैसे मैंने बताया था कि आधा सम आधा विषम होता है, ये सारा विषम है, तो 120 से लिया, 120 से पहले आपका 119 तक तो पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो 120 का आप हाफ करेंगे तो 60 और 60 होता है, यहां आप 60 से गुना कर देंगे। सम विषम में आपको याद रखना है कि जो भी अंतिम में रहेगा उसका आपको हाफ करना है, विषम रहेगा तो आपको 1 बढ़ा के ले लेना है, सम रहेगा तो उसका आधा आधा करके जो हाफ होगा वो ले लेना है, तो 119 से 120 का हाफ 60 हुआ, यहां आप 60 लिखते हैं, 119 और 120 बटे 2 × 60, 2 से कट कीजिए 30, 12 को 120 को 30 से गुना करेंगे 3600। बहुत ही आसान ट्रिक है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और बहुत ही आसान आपको लगा होगा, और आप इसे एक सेकेंड में आराम से बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। नंबर सिस्टम से संबंधित और भी अच्छे अच्छे सवाल को मैं ट्रिक्स के माध्यम से इसके सेकेंड वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और ये ऐसी ही ट्रिक की वीडियो आपको चाहिए, ऐसी ही ट्रिक्स के साथ मैथ चाहिए जो कि आप कॉम्पिटिटिव लेवल में भी आराम से बना सकते हैं, तो मेरे चैनल को श्योर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो की पहली नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और लाइक शेयर करें ताकि मेरा मनोबल बढ़ता रहे। थैंक यू बच्चों।